इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के टिप्स दिए, जिसमें काढ़े का महत्व बताया। मिश्रा ने बताया कि काढ़े में ग्लोए और तुलसी बहुत लाभकारी है। काढ़े को हमें इलाज के लिए ही नहीं बल्कि रोज पीना चाहिए। जितने भी शोध आए अभी तक और जानकारियां आई वो ये बताती है कि इम्यून सिस्टम आपका मजबूत है, रोग रोधक शक्ति अगर आपकी अच्छी है तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा मैं नहीं कहता, सभी विशेषज्ञ कहते हैं। और कोरोना के काढ़े के अंदर मूल रूप से गिलोय है, गिलोय भी अगर नीम चढ़ी हो तो क्या कहते हैं, और गिलोय से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, तुलसी से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, रोग रोधक क्षमता हमारी जितनी भी काढ़े में चीजें हैं वो सभी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती हैं। इसलिए काढ़ा बहुत गुणकारी और सबको पीना चाहिए, मैं यही सलाह देता हूँ। तो बाकी जगह भी बाकी कई जिलों में ऐसे क्या इस प्रयोग को आपको लगता है आगे बढ़ाना चाहिए? मेरी मान्यता है जितना उपलब्धता हो जाए और अच्छा होता जाए उतना हमें बढ़ाना चाहिए, और इसको अकेले इलाज के लिए नहीं व्यक्ति को दैनंदिनी में भी उपयोग करना चाहिए। चाय की जगह काढ़ा पिए। बाजार में मोदी